मजा आ गया यार, ऐसा रन ऐसा लग रहा था हावड़ा राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। आसनसोल जंक्शन ट्रेन जर्नी फाइनली इतना दिन बाद, और ये रेस्टोरेंट है आई थिंक, हाँ ये रेस्टोरेंट है, पर बंद होगा क्योंकि पैंडेमिक मोमेंट है। लॉकडाउन के बाद फाइनली जाके अब मेरे को ऑप्शन मिला है चढ़ने का। घूमने फिरने के लिए नहीं आया था भाई, काम से आया था, काम निपटा लिया, अब जा रहा हूँ घर। बोला गया था 2 घंटा पहले आने के लिए, मैं 2.5 घंटा पहले आ गया। फूड एक्सप्रेस में ऑनबोर्ड करूँगा भाई साहब, और देखिए क्या होता है, हाफ इसलिए रहा हूँ दौड़ के आ रहा हूँ भाई साहब, मेरे को लगा लेट हो जाएगा पर पहुँच गया टाइम पे भाई साहब। क्या क्या नियम कानून है प्रोटोकॉल देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पूरा स्टेशन खाली है जबकि यहाँ पे इतना सारा टैक्सी लगा रहता था। क्या दिन आ गया यार, क्या नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये काम होना था भाई आदमी तो कर। इंडियन रेलवे का सारा काम में सबसे अच्छा काम ये है भाई साहब, सबसे अच्छा काम मेरे हिसाब से। और ये तो मेरे लिए लगता है सार्मिक स्पेशल ट्रेन जो चल रहा था उसके लिए बनाया गया था, क्योंकि लंबा लाइन लगा होगा उस समय, तो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ से जाके आपको एंट्रेंस लेना है इस तरफ में जाकर। सर ने कहा कि थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा देर बाद लेंगे, 1:30 बजे का टाइमिंग है ट्रेन का, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले या 1 घंटा पहले लेंगे। चलिए इस समय इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस मोमेंट का काम वाम हो रहा है, अच्छी बात है। कोच कंपोजिशन के हिसाब से बी4 आ गए हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पहुंचते हैं, ट्रेन आता है तो फिर दिखाते हैं, 1 घंटा टाइम है अभी। इतना खाली स्टेशन लाइफ में कभी नहीं देखा हूँ, आज तक तो कभी भी नहीं देखा हूँ। स्क्रीनिंग कराया मैंने देखा क्या है, जनरली कुछ ज़्यादा लंबा प्रोटोकॉल नहीं है, आपको फिर भी 1 घंटा पहले आया तो बेस्ट है, 1.5 घंटा पहले आया तो बेस्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ट्रेन तो मैं जो पकड़ रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा भीड़ था नहीं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनें नहीं है, तो अभी इस टाइम पे ज़्यादा लोग हावड़ा भी नहीं जा रहे ना, तो उसके लिए ज़्यादा भीड़ थी नहीं यहाँ पर। मैंने चीज़ नोटिस किया, अगर आप सपोज़ हावड़ा से ट्रेन पकड़ते हैं न्यू दिल्ली के लिए, पटना के लिए, या कोई भी ट्रेन पकड़ते हैं जोधपुर वाली भी क्यों ना पकड़े रात को, तो उसके लिए लाइन लग सकते हैं, क्योंकि वहीं सारे लोग बोर्डिंग होंगे, अच्छे खासे लोग बोर्डिंग होंगे, ऐसा तो नहीं है 1-2 लोग चढ़ेंगे वहाँ से। तो मैं सजेस्ट करूँगा 1-1.5 घंटे पहले आप आइए स्टेशन पे। दूसरा बात मैंने नोटिस किया और मैंने रियलाइज़ किया कितना गलत है ये, मतलब रेलवे को चेक करना पड़ रहा है कि आपको बुखार है कि नहीं है, आपका शरीर है आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपको बुखार है, रेलवे को चेक करना पड़ रहा है कि इसको बुखार है तो जाने नहीं देंगे, अगर आपको बुखार है तो आप मत आइए स्टेशन, ये एक रिक्वेस्ट है। आप जान सकते हैं कितना दिन लगेगा, अगर आपको जनरल से बुखार है तो 1 सप्ताह में तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। बात आपके तक नहीं है, आप अपनी लाइफ की परवाह नहीं करो पर दूसरे को करना होगा। चलो भाई मेरी लाइफ की मुझे कोई परवाह नहीं, पर दूसरे की तो सोचना होगा, अपने घर में माँ बाप है उनका सोचना होगा, जो बाहर ट्रैवल कर रहा है उनके लिए सोचना होगा। यही सब चीज़ अगर हम लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, साफ सफाई रखें तो बहुत अच्छा होगा। मैं देखा मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी नाखून चबा रहा, उसके बाद थूक रहा, क्या आदत है ये, कौन सा आदत है भाई। मैंने मास्क खोला क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। फाइनली एक वैग नाइन आ रहा है, इतना दिन बाद देखा हूँ, कितना खुशी मिला बता नहीं सकता हूँ। यही सब रिक्वेस्ट है, गंदगी ना फैलाएं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। ऐसे पहनना जाता है सर जी मास्क, लोग कैसे पहन रहे हैं ऐसे, क्या है यार यहाँ से नहीं जाएगा क्या, कोरेगा मुँह से जाऊँगा क्या। पूरा रीज़न पकड़ने का ये है, 130 हो गया, यानी इस जगह के बाद उस तरफ में पूरा उस तरफ 130, पहले 110 था अब 130 हो गया। तो ये एक एक्साइटमेंट है, बस बस यही है, बस 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 यही है। और दुर्गापुर की 130 बस, और कुछ नहीं है, बस 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 यही है। यही है फिलहाल, पूर्व एक्सेस बॉल का धजिया उड़ा हुआ है फिलहाल भाई साहब। पिछला वीडियो में ऑडियो नहीं आएगा क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम था, मेरा कोच में एसी खराब है भाई साहब, इधर बैठेंगे क्या करेंगे, यहाँ कर्टेंस हुआ करता था किसी टाइम पे, कर्टेंस उड़ा दिए गए, होप्स हो कि सब सही हो। और 6 मिनट बाद ट्रेन खुलेगा, लोको एकदम ब्रांड न्यू है, 390 सीरीज का, आई थिंक DLW से बना था, मैंने यही नहीं देखा, एक्साइटमेंट में तो देखा ही नहीं है। 4 महीने बाद ट्रेवल कर रहा हूँ भाई साहब ट्रेन में, ग्लव्स नहीं पहना, बस हाथ में सैनिटाइजर रगड़ते रहूँ, और जाते ही तो नहाना है ही भाई, ये सब है कुछ।
पूरा ट्रेन ही अजीब लग रहा है। टू टायर का क्या हाल होगा भाई साहब, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। टू टायर में तो यहाँ पे भी कर्टेंस होता साइड में, कोई कर्टेंस ही नहीं होगा यार, टोटली डिफरेंट। ब्लैंकेट लेने में कुछ नहीं है, ठीक है आपको अपना मेंटेन करना है। अपन लग रेडी है अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए। अब कुछ भी हो जाए इसको ही छूना है और कुछ नहीं। उतरते वक्त लास्ट में कैमरा पूरा रगड़ के धो डालेंगे पूरा। हाँ चलिए भाई साहब, हम सेटअप करें अपने 130 के लिए। मिलते हैं आपसे 130 के रफ्तार के साथ, सीधा मिलेंगे बर्दवान में। उसके पहले कुछ भी नहीं हो जाए आएंगे नहीं भाई साहब, वीडियो बड़ा बनाना बढ़िया बनाना। चलो भाई साहब मिलते हैं सीधा बर्दवान में।
सो भाई साहब वर्धमान आ गए हैं, मजा आ गया यार। ऐसा रन ऐसा लग रहा था हावड़ा राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। दुर्गापुर स्किप दिखा होगा और भी स्किप दिखा होगा, कैसा लगा भाई साहब? अच्छा लगा ना? लाइक कर दो यार, कमेंट करो यार, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो यार। इतना बारिश में भाई साहब 130 पे, सही बता रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा था जैसे लग रहा था कि गोली चल रहा हाथ पे भाई, 130 पे पानी, हाथ ऐसा सैनिटाइज हुआ होगा बता नहीं सकता। कुछ ऐसा हाल था भाई साहब, पूरा आधा घंटा पहले आया है, अभी भी एक भाई साहब खड़ा रहेगा अप टू 15:16, 3:16 तक भाई साहब को यहीं रुकना है। अभी इधर 130 मारेगा, आज कॉर्ड में देखते हैं क्या मिलता है, रिवर्सल या क्या। एक तो उम्मीद है कि अच्छा मिल जाए। भाई साहब मन तो कर रहा लोगों पास जाऊं पर सामान वामान छोड़ के जाऊं। भाई साहब 39106, बेस्ट लोको भाई, बेस्ट, सही बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट, और बेस्ट एवर, सबसे बढ़िया राइड हुआ भाई अभी तक का यार, पटियाला का है। मेरे को लगा यहाँ पे DLW नहीं लिखा हुआ है, मेरे को लगा CLW का, पर ये पटियाला का है। मज़ा आ गया यार, ये जो ट्रेन है भाई साहब, ER को तो भाई 130 क्या किया यार, एकदम मतलब NCR वाला फीलिंग आ रहा भाई यार, में आज तक नहीं, आउटर में 130 था भाई। आने वाले LP साहब, मतलब अमेजिंग यार, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है जर्नी मेरा आज तक इस रूट में। अब एक खाली कॉर्ड में रिवर्सल मिल जाए यार, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, जोश आ गया यार। वाह 2005 भाई साहब, अभी तो ये है यार, ओल्ड राजधानी का कुछ है, यही है भाई, हावड़ा का चलता रहता है। हावड़ा क्या करता है, उठा के अपना कुछ जो है नया कुछ लगा देता है राजधानी में, तो पुराना वाला लगा दिया पूर्वा में 2005 के, 2012-2013 होगा, स्वर्ण रेख है क्या यार। हाफ इसलिए रहा हूँ भाई, दौड़ के आ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ यार, गलत मत सोचना, 2012 की है। टाइम टेबल चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से तो वर्थित होगा, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर गाड़ी यहाँ खड़ा रहेगा। अब बोल सकते हैं ये आम जनता की राजधानी धीरे धीरे हो रहा है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मतलब फर्स्ट क्लास यार। भाई साहब मैं ये बात मानता हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं ये बात मानता हूँ कि अगर घर में कचरा है तो आपको घर साफ करना होगा, घर बेचना नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब वो क्या सोचते हैं, उनकी पॉलिसी है वो जो समझे, मेरा है नहीं रेलवे कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा पैसा उतना ही लगा बस, ऐसे बाकी वो संभाल ले वो समझे। क्या बोलूँ यार, ऐसे ऐसे करने को मन कर रहा है पर हाँ नाक के पास नहीं ले जा सकते, ये कैसा दिन आ गया है। जो भी है यार, बहुत बढ़िया दिन चल रहा है, यही सब है सर, बस फिलहाल वर्धमान में है, मौसम बहुत खुश मिजाज है, सरकार वहाँ पर मेरे को मिल गया बारिश और यहाँ मिल गया मेरे को धूप, भगवान जो है मेरा पूरा सुन रहे हैं। सही बताओ, बहुत खुश है यार मेरे को, वो जो बारिश में जो था ना 130 का स्पीड लेने के लिए, भगवान बस सब्सक्राइबर में नहीं सुन रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो आपके बस का बात है भाई, अच्छा तरीका है ना, भगवान भगवान बोल के सब्सक्राइब करो ना। कोई बात नहीं यार, आपका इच्छा करना नहीं मनो मत करना, बस बताना जरूर कैसा लगा यार, लाइक डिसलाइक मार के जाना, इतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा हूँ सर, अब ट्रेन खुलता है तो फिर मिलते हैं फटाक से, फटाक से क्यों मिलेंगे क्यों यार, सीधा वीडियो लेना शुरू करते हैं भाई साहब। भाई ये क्या हो गया, तो सीधा मेन लाइन पे निकल गया। अरे यार भाई यार, तो मेन लाइन पे चला गया यार, ओ शिट शिट मैन, शिट 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 यार, रेलवे तो बोला था यार, अरे यार इन लोग का फिक्स नहीं है, कब नियम कहाँ बदल देते हैं यार।
तो भाई साहब हिसाब से देखा जाए तो मेरा पोपट हो गया। मैंने बर्दवान में बोला ये कॉर्ड लाइन से जाएगा, रिवर्सल या डाउन में पूरा पोपट हो गया, गाड़ी मिड लाइन से आ गया, धोखा हो गया बॉस। पर मज़ा आया, ये जो आसनसोल बर्दवान वाला स्ट्रेस था वो बवाल था। ये जो दिख रहा ना भाई, इग्नोर मारो भाई। मिड लाइन को ख़राब नहीं बोलना यार, पर मिड लाइन का कंट्रोलिंग बहुत गंदा है यार। देखो भाई, जो फैक्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पर लोग अडेप्ट नहीं किया है, मतलब जो बोलते हैं ना प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब साफ सफाई जो होता है ना, हम लोग अडेप्ट नहीं कर सकते भाई। सीरियसली, किसी को लगेगा बुरा, पर सच हम अभी भी देख रहा है डस्टबिन के ऊपर थूका हुआ है, जैसे ही तैसे वॉशरूम में जेट स्प्रे जो होता है वो है ही नहीं, मतलब आप वॉशरूम भी यूज नहीं करते, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से सजेशन यही दूंगा, जब तक जरूरत ना हो भाई ट्रैवल मत करो भाई। अब एक बार थोड़ा हावड़ा स्टेशन देखो यार, पूरा खाली है, पूरा नहीं बहुत ही ज्यादा खाली है, देख के बहुत खराब लगेगा पर यही है। सो भाई साहब, हावड़ा आ गया, थोड़ा सा डर था स्टार्टिंग में, पर सावधानी बरखा तो सही है। अब ये तो भाई साहब 4-5 दिन में बाद मालूम पड़ेगा कितना मैंने सावधानी बरखा था या नहीं। बस भाई यही है। So with that's it. If you love this vlog, then don't forget to hit like button. Channel में नया भाई को subscribe करना। As always, शुक्रान, अलविदा, माशाल्लाह, मा टेक केयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड, जस्ट डू इट। और भाई क्या बोलने वाला था, बस वाला व्लॉग आएगा श्यामोली का, उसका कम्फर्ट जोन देखना, एग्जीक्यूटिव अनुभूति क्लास जैसा एक्सपीरियंस था। और यही है पूर्वा एक्सप्रेस, मिलता हो भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के सब आखिर बाबा। ओके भाई साहब, हम लोग डीआरएम बिल्डिंग के सामने से निकलेंगे वहाँ से, तो एग्जिट पॉइंट ये है अभी के टाइम पे, ठीक है। देखो क्या होता है फ्यूचर में भाई, ये वाला मिलेगा प्राइवेट को कि नहीं मिलेगा, नहीं सी हो, पर देखते हैं जो भी होगा। बी पॉजिटिव, सोच वाला पॉजिटिव भाई साहब।